हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शोम तिवारी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बायसर आर्ट के। आज के वीडियो में फ्रेंड हम बात करने जा रहे हैं लेटेंसी के बारे में कि यहाँ पे फ्रेंड रैम में लेटेंसी क्या होती है, एसपीडी लेटेंसी क्या होती है, यहाँ पे कैश लेटेंसी क्या होती है और लेटेंसी हमारे कंप्यूटर पे या फिर जब भी हम एक पीसी बिल्ड करते हैं तो वहाँ पे क्या एक रोल प्ले करती है। और यहाँ पे देखेंगे कि ये गेमर्स होते हैं या फिर एक स्ट्रीमर होते हैं उनके लिए ये कैसे वर्क करती है। बेसिकली फ्रेंड यहाँ पे जब भी आपने एक रैम बाय की होगी तो यहाँ पे फ्रेंड चार आपको नंबर देखने मिल जाते हैं जो कि बहुत ही अननोन होते हैं और किसी को पता नहीं रहता है कि चार नंबर कौन से नंबर है। तो आप भी इन सभी नंबरों के बारे में जानना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि आपको इससे आप रैम की कैसे परफॉर्मेंस को जज कर सकते हैं, तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें। तो यहाँ पे फ्रेंड कुछ रैम को जब आप बाय करते हैं तो यहाँ पे फ्रेंड नीचे रैम के साइड पे आपको कुछ नंबर्स दिख जाते हैं जिससे फ्रेंड ये आपको हो सकते हैं 15, 16, 16, 35 या फिर हो सकते हैं 17, 18, 20, 20, 36, 40। तो ये नंबर्स क्या नंबर्स होते हैं तो यहाँ पे फ्रेंड मैं आपको बताऊंगा इन नंबर्स के बारे में। जैसे फ्रेंड यहाँ का जो पहला नंबर होता है इसको कहते हैं हम कैश लेटेंसी। कैश लेटेंसी क्या लेटेंसी होती है, कैश लेटेंसी क्या वर्क करती है हमारे लिए, ये फ्रेंड हम जब भी अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं रैम में या फिर कोई भी गेम्स के लिए इंस्ट्रक्शन जाते हैं तो ये उसका टाइम होता है कि ये कितने नैनो सेकेंड पे ये वर्क करती है। जितना इसका नंबर कम होगा उतनी ही अच्छी हमें यहाँ पे परफॉर्मेंस भी देखने मिलती है। बट फ्रेंड इसका असर रैम फ्रिक्वेंसी पे जरूर आता है। अब फ्रिक्वेंसी क्या होती है, फ्रिक्वेंसी भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। फ्रिक्वेंसी ये होती है कि वो कितनी स्पीड से डेटा को ट्रांसफर कर रही है। आपने देखा होगा 2600 MHz, 3000 MHz, तो फ्रिक्वेंसी के बारे में तो ऑलमोस्ट सभी लोग आप लोग जानते ही होंगे। तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी डेटा फ्लो को डिनोट करती है। लेटेंसी का मैं एक आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ कि कैसे फ्रेंड आप एक लेटेंसी को एक ईजी वर्ड पे समझ सकते हैं। जैसे फ्रेंड यदि हमने कीबोर्ड पे कोई भी बटन प्रेस की और यहाँ पे फ्रेंड डिस्प्ले पे आने में उसका जितना टाइम लगा, जितना टाइम डिले हुआ, उसको हम लेटेंसी बोलते हैं। ये फ्रेंड किसी भी वक्त में हो सकती है, आप इंटरनेट पे वर्क करते हो या आप कीबोर्ड पे, आप कंप्यूटर पे, हर लेटेंसी का यूज हर जगह किया जाता है। यहाँ से फ्रेंड इससे हमें ये पता चलता है कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी है या फिर जैसे यदि हमें लेटेंसी ज़्यादा मिलती है तो यहाँ पे फ्रेंड हमें लैगिंग की प्रॉब्लम देखने मिलती है और यदि हमें लेटेंसी कम देखने मिलेगी तो यहाँ पे फ्रेंड हमें फास्ट परफॉर्मेंस भी देखने मिलेगी। फर्स्ट ब्लॉक में फ्रेंड आता है कैश लेटेंसी। ये डिनोट करती है कि वो डेटा को कितनी देर में एक एक्सेप्ट करती है, कितनी देर में वो वर्किंग करती है, चालू करती है उस प्रोसेसर्स को। तो इसके लिए जो नैनो सेकेंड लगता है उसको हम फ्रेंड कैश लेटेंसी कहते हैं। सेकेंड ऑप्शन आता है रो एड्रेस टू कॉलम एड्रेस डिले। यहाँ पे फ्रेंड आपका डेटा किसी एक ब्लॉक पे रखा हुआ है तो वो उस ब्लॉक को रो में रखा हुआ है या फिर वो कॉलम में रखा हुआ है तो उस डेटा के पास तक जाने में उसको कितना टाइम लगता है, तो ये लेटेंसी का नंबर फ्रेंड हमें सेकेंड ब्लॉक पे देखने मिल जाता है। बात करते हैं फ्रेंड यहाँ पे हम थर्ड ब्लॉक की, तो थर्ड ब्लॉक होता है रो रिचार्जिंग टाइम। कि यहाँ फ्रेंड न्यू रो में जाने के लिए उसको एक रो से दूसरे रो में जाने के लिए कितना टाइम डिले होता है, तो यहाँ पे फ्रेंड थर्ड ब्लॉक पे हमें देखने मिल जाती है रो प्री रिचार्ज टाइमिंग की लेटेंसी। और फ्रेंड फोर्थ ब्लॉक आता है वहां पे हमें डेटा फेचिंग की लेटेंसी भी देखने मिल जाती है कि डेटा को वो कितनी देर पे फेचिंग कर रहा है। तो यहाँ पे फ्रेंड ये लेटेंसी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हमारे कस्टमर तो फ्रिक्वेंसी को जानते हैं आज की डेट पे कि फ्रिक्वेंसी कैसे वर्क करती है। जितनी ज्यादा फ्रिक्वेंसी होगी उतना ही अच्छा होगा हमारे गेमिंग के लिए या फिर हम अपना एक अच्छा स्ट्रीमिंग पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो उसके लिए अच्छा होगा। लेटेंसी में फ्रेंड उल्टा होता है, जस्ट जितनी फ्रिक्वेंसी अच्छी होती है लेटेंसी में जितनी कम हमें लेटेंसी मिलेगी उतनी ही अच्छी हमें यहाँ पे प्रोसेसिंग भी देखने मिलेगी। तो गेमर्स होते हैं, आपने देखा होगा फ्रेंड एक रैम हमको 4000 रुपए में मिल जाती है 8GB की और एक फ्रेंड हमको 20000 में भी मिल जाती है। इन दोनों रैम्स का जो प्राइसिंग का डिफरेंस होता है वो फ्रेंड लेटेंसी पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे फ्रेंड आपको कैसी लेटेंसी मिल रही है। और फ्रेंड यहाँ पे कुछ मदरबोर्ड होते हैं जो कि XMP ऑटोमेटिक एक प्री डिफाइंड फ्रिक्वेंसी को फिट कर देते हैं। बहुत से मदरबोर्ड होते हैं जो कि प्री डिफाइंड लेटेंसी को फाइंड करते हैं। यदि आप फ्रेंड आपकी रैम में बहुत ही अच्छी लेटेंसी है तो यहाँ पे फ्रेंड आप मदरबोर्ड पे जाके XMP आप देख सकते हैं आपके मदरबोर्ड पे कौन सा XMP 2.0 है या फिर 2.1 है या फिर 1.9 है, ऐसा कौन सा वर्जन करता है और वहां पे क्या प्री डिफाइंड फ्रिक्वेंसी आपको देखने मिल रही है। तो आप बायोस में जाके इसकी सेटिंग को चेंज भी कर सकते हैं। ज्यादातर यहाँ पे यदि आप अपने अपग्रेड करते हैं XMP को तो
आपका रैम का जो वोल्टेज है वो ज्यादा लेगी, थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, लेकिन आपको परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छी देखने मिलेगी। तो फ्रेंड यही सजेस्ट करूंगा मैं कि आप जब भी एक रैम को चॉइस करो तो आप फ्रिक्वेंसी अच्छी लो, 3000 MHz, 32 MHz, 2600 MHz कि आप रैम की फ्रिक्वेंसी लो, और लेटेंसी लो तो आप लेटेंसी कम से कम लो, 15 16 16 30 या फिर 15 16 16 35। तो ऐसी लेटेंसी की यदि आप एक रैम को चॉइस करते हो तो आपके गेम प्ले में भी आपको असर पड़ता है, आपके स्ट्रीमिंग में भी असर पड़ता है, और आपके पीसी एक बहुत ही फास्ट परफॉर्म करता है। यदि फ्रेंड आप एक लेटेस्ट पीसी बिल्ड कर रहे हो, 8th जनरेशन पे आप आ रहे हो या 9th जनरेशन पे आ रहे हो, और यदि फ्रेंड आप किसी भी कंपोनेंट पे एक आप मिस कर देते हो तो यहाँ पे फ्रेंड आपके पीसी में थोड़ी सी, और फिर आप फिर सोचते हो कि मैंने इतना पैसा खर्चा किया फिर भी हमें उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिलती है। तो सारी ही चीज़ों को हमको देखते हुए चलना पड़ता है कि सारी चीज़ों में अच्छी अच्छी हमें चीज़ें परफॉर्मेंस भी मिले। यदि फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बायज़ारा हटके को, जहां पे फ्रेंड आपको देखने मिल जाती है गेमिंग और गैजेट से रिलेटेड बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।